बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और संजय दत्त फिल्मी दुनिया की BFF जोड़ियों में से एक है। जी हां, कई फिल्मों में साथ काम कर चुके इन भाइयों की असल जिंदगी के ट्रैक भी कुछ कुछ जुड़े हुए हैं। अगर आप इनकी टाइमलाइन पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि इनकी कहानी कितनी मिलती जुलती है। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान यानी कि सलमान खान काले हिरण का शिकार मामले और बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सन 1993 में मुंबई बम धमाकों के समय गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप में 5 साल की सजा हुई थी। दरअसल संजू बाबा के केस में फैसला 14 साल बाद सुनाया गया था। वहीं अगर बात हो भाईजान के बारे में तो सलमान भाई के मामले में केस का फैसला 20 साल बाद हुआ है, लेकिन दोनों के केस काफ़ी लंबे चले। वैसे एक बात ये भी है कि जिस तरह से अगर अभी सलमान खान जेल जाते हैं तो बॉलीवुड को हजारों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अब ठीक उसी तरह संजू बाबा को जिस वक्त जेल हुई थी उस वक्त उन पर भी इंडस्ट्री का काफ़ी पैसा लगा हुआ था। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि संजू बाबा को जब जेल हुई थी तब वो अपनी फिल्म मुन्ना भाई चले अमेरिका की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का ट्रेलर भी आ चुका था लेकिन फिर ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इसी तरह सलमान की फिलहाल रेस 3 की शूटिंग में बिजी थे। इसके अलावा उनकी फिल्म किक 2 भारत भी पाइपलाइन में है। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज रूम रिपोर्ट।